बोला जाता है कि यहाँ पे जो घर बना के जाता है, जो इच्छा सोच के वो पूरी होती है। हेलो गाइज, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और आज रेडी हो गए हम एक नई लोकेशन के लिए। और ये नई लोकेशन कौन सी है इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। इतना बता सकता हूँ कि मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब आपको मज़ा लेना है तो ब्लॉग एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अब चलते हैं उसी लोकेशन पे। सुनो सुनो गाइज, आपको एक बात बतानी थी। आप अगर नोट किया हो तो आपने, मैं हर ब्लॉग रूम के बाहर से शुरू करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। और सरप्राइज ऐसे है क्योंकि ये रूम मेरा स्टूडियो है, और आपको इस स्टूडियो का भी एक पूरा ब्लॉग दूंगा, उसमें पूरे रूम का आपको रिव्यू दूंगा, तब आप इसको देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। इसीलिए मैं यहाँ बाहर से शुरू करता हूँ। ये बहुत जल्द मिलने वाला है आपको, बहुत जल्द मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करो। अब मिलते हैं वहीं पर। मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। और बाकी मैं जहाँ पे मेरे को आना था वहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम। जो ये सामने मंदिर और ये डूंगर दिख रहा था, इसके पास में हम जाएंगे। मैं भी शायद यहाँ पे आपको ज़्यादा ही वॉइस आ रही होगी क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है और बाइक भी चल रही है, तो मैं वहीं जाके आपसे बात करता हूँ। मिलते हैं वहीं पर। तो गाइस, जहाँ आना था मेरे को वहाँ पहुँच चुका हूँ और हाथ मुँह भी धो लिए हैं। और अब आपको थोड़ा सा उधर का झलक दिखा देता हूँ। काफ़ी शानदार है मंदिर। अब मंदिर में भी चलेंगे और जो पीछे डूंगर दिख रहा है ना, उस पर भी चलेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग को एंड तक देखना। अब चलते हैं। तो गाइस, यहाँ आपको अंदर आते ही काफ़ी धर्मशाला और सबसे पहले ये कुंड मिलेगा। ये कुंड काफ़ी गहराई तक है और इसमें अभी तो पानी भरा हुआ है। और बाकी फिर अंदर चलेंगे, तब मंदिर में चलेंगे उधर से। अब मैं मंदिर में जाता हूँ और मंदिर के अंदर से आपको दर्शन करवाता हूँ। तो गाइज, मैंने थोड़े बहुत आपको फुटेज वैसे तो दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का अच्छे से ले नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। और बाकी मैं, आप मेरे पीछे देखो, ऐसे मान्यता है कि यहाँ पे ये जो शाकंभरी माता है, ये पहले काफ़ी यहाँ पे सोने का हो गया था पूरा, लेकिन यहाँ पर सोने का होने की वजह से काफ़ी लड़ाई होने लगी। उसके बाद में शाकंभरी माता को गुस्सा आया और पूरा नमक ही नमक कर दिया। यह इतना बड़ा एरिया है कि आप अगर नज़रों से देखोगे तो यहाँ से दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं दिखता है। तो गाइज, अब मैंने कहा था ना उस पहाड़ पे चलेंगे, वहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे, वहाँ पे जा रहा हूँ और ड्रोन उड़ाता। गाइज, फाइनली मैं आधी सीढ़ियाँ आ चुका हूँ और इसके बाद में मेरे को यहाँ पे ये पत्थरों से छोटे छोटे घर बने हुए दिखे। और इनकी मान्यता है कि यहाँ पे पत्थर से घर बना के जो यहाँ पे प्रे की जाती है वो फाइनली पूरी हो जाती है। तो आते टाइम हम भी ट्राई करेंगे और यहाँ पे प्रे करके जाएंगे, देखें हमारी भी पूरी होती है। पूरी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस, फाइनली मैं ऊपर पहुँच गया हूँ और यहाँ से नज़ारा और भी सुपर है। और उसके साथ ही अब मैं आपको यहाँ पे ड्रोन उड़ा के उसके भी व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और चार और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये एक छोटे से यहाँ पे डूंगर है उसके ऊपर है, इधर भी खाई है और इधर पीछे भी खाई है, चार और खाई हैं। तो अब ड्रोन उड़ाता हूँ।
गाइज मैंने काफ़ी ऊपर इंजॉय किया और ड्रोन भी उड़ाया। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं आ गया हूँ नीचे जहाँ पे आपको मैंने बताया था वहाँ पे, अब मैं भी यहाँ पे घर बनाता हूँ। और देखे बोला जाता है कि यहाँ पे जो घर बना के जाता है, जो इच्छा सोच के वो पूरी होती है। देखे मेरी भी पूरी होती है क्या। गाइज मैंने फाइनली घर बना दिया है, और मैंने घर बनाते टाइम मेरी इच्छा भी सोच ली थी, अगर वो पूरी होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।